राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने, 6 पर बीजेपी ने टिकटों की घोषणा कर दी। वैसे तो लोगों की 7 सीटों पर निगाह है, लेकिन एक सीट है दौसा, उस पर विशेष निगाह है। और खास करके बात की जाए दौसा सीट की, तो एक नाम उभर के आता है जिनके लिए कहा जाता है कि बाबा है तो मुमकिन है। हम बात करेंगे डॉक्टर किरोलाल मीणा साहब से। किरोलाल साहब, दौसा सीट को लेकर के लोगों का एक बादल थे वो छट गए, जगमोहन जी को टिकट दे दिया। अब आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे वहां पर विशेष रहेंगे? देखो, दौसा ही नहीं, पूरे राजस्थान की 7 सीटों के मुद्दे एक जैसे हैं। हम राष्ट्रवाद में भरोसा करते हैं, विकास में भरोसा करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राज शासन व्यवस्था देना चाहते हैं। और आपने देखा भी है कि पिछली सरकार ने जो मामले दबाए, DYT में एक अफसर पकड़ा छत्रपाल, जिसका मैंने पिछले सरकार में मुद्दा उठाया था, उसको करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम मिली है। 50 थानेदार जेल के सीटों में, RPSC के 2 लोग जेल में हैं। इसलिए जो मुद्दे पिछली सरकार में उठाए, उन मुद्दों पर कार्रवाई पार्टी कर रही है, इसी का हमको बहुत राजस्थान की जनता इनाम देगी। जहां तक मैं समझता हूं, आपको सर्वसमाजी नेता कहा जाता है और दौसा में भी यही फैक्टर काम करेगा। आपको लगता है कि जो लोगों का साथ है वो आपको मिल पाएगा पूरा सबका? दौसा में नहीं, सब जगह 1-to-all सबका साथ मिलेगा, क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसी लाइन पर जनता हमको पसंद करेगी और वोट देगी। वैसे 2 सीटें देवलीनेरा दौसा, वहाँ आप बिजी रहेंगे, आपको लगता है कि 7 सीटें पर आपको जाना चाहिए? मैं सलूंबर और 84 TSP एरिया में मैंने बहुत काम किया, तो वो जो भी अब पार्टी वहाँ उभरी है उस जागृति के कारण उभरी है, मैंने उनको जगाया। आपको ध्यान हो तो भूख से मौत का मामला, पलायन का मामला, मजदूरों का मामला और खरीद फरोख्त के प्रकरण, धर्मांतरण के सारे मैंने वहाँ पर उठाए, तो मेरी वहाँ पकड़, पार्टी मेरे को भेजेगी, मैं जाऊँगा भी। ऐसे ही रामगढ़ में हमारा ST का 15-20 हज़ार वोट है, उनमें भी जाऊँगा, पार्टी जहाँ भेजेगी जाऊँगा। मैं मन से चाहता हूँ कि 7 सीटों पर मैं प्रचार करूँ। 27 तारीख को मोदी साहब यहाँ पे राजस्थान में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं, एक बड़ी सभा वो करने वाले, ERCP को एक सौगात देने वाले हैं, कितना फर्क उसको पूर्वी राजस्थान को मिलेगा? देखो, सौगात से हम कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहते। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद में ERCP की घोषणा की थी, अगर हमको उससे सीटें लेनी थी या जीतना था तो उससे पहले ही घोषणा कर देते, तो ऐसा कोई विचार नहीं है। पर चूंकि ईस्टर्न राजस्थान में ये एक तरह से हमारे लिए गंगा बन के आई है, भगीरथी है, इसलिए वहाँ के लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट इसके आधार पर देंगे। मैं जानता हूँ, आंदोलन की बात और आपका नाम नहीं आए, जितने आंदोलन हुए आप सक्सेस रहे, ऐसा ही भर्ती वाला जो आंदोलन है, आपको लगता है कि किसमें कुछ न्याय हो पाएगा? देखो, 50 थानेदार जेल में, 2 RPSU के मेंबर जेल में हैं और अभी तो रोज पकड़े जा रहे हैं। आज आपने देखा EO RO और अब RS में भी, मतलब RPSU पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए जितनी भी परीक्षाएं उनके पेपर गड़बड़ हुए हैं RPSU से, उनमें जांच होगी हमारी सरकार में, और जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसको दंडित किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान को लेकर के मुख्यमंत्री लग रहे हैं, सरकार पूरी लग रही है, कितना प्रदेश को इससे फायदा होगा? देखो, कोई भी इन्वेस्टर आता है तो फायदा तो होता ही है, इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि जैसे वाइब्रेंट गुजरात बना था वैसे हमारा राजस्थान भी आगे बढ़े। तो ये है डॉक्टर किरोलाल मीणा, जिनका कहना है कि 7 सीट BJP जीतेगी, इससे प्रदेश के विकास में एक नया आयाम स्थापित होगा। धन सिंह के साथ धर्मेंद्र सिंगल, समाचार प्लस, जयपुर।